Whatever I've achieved, I owe entirely to the Vedantu team. It's not just the in-depth subject matters that were taught to us, but also the exam-specific strategies we were asked to use. Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. How is everyone going? How is it going guys? Bahut badhiya hai, namaste, welcome to this session. Aaj kaafi maza aane wala hai kyunki because we have started the Newton's laws of motion starting today. So how many of you guys are here excited about today's new chapter, Newton's laws of motion? New Manoj, welcome to the session. Manoj, Ram Ram. Sabhi ko welcome. Yes, pretty, we are starting NLM today. Yes. Now, there is a very, very, very special thing about today's session. There is a very, very, very special thing about today's session. That is, dekho yaar, Newton's laws of motion, aap log padhte aa rahe ho 8th standard se. Force ke baare mein aap log padhte aa rahe ho 7th standard se. Theek hai? To aaj main kya karne wala hu? Today, we will be having a fabulous session in terms of what? हम इंट्रोड्यूस तो करेंगे सारे टर्म्स को जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसको दोबारा से एक और बार समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट को, उस बेसिक्स को दोबारा मतलब रिगोरसली वी विल ट्राई टू मेक इट प्रॉपर फाउंडेशन बना देंगे. और उसको कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आपके स्लाइड्स तो पीछे चलते रहेंगे, उसके अलावा क्विज भी साथ में चलता रहेगा. ठीक है? सो टुडे एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी हैविंग वन स्टूडेंट हियर who is going to nail on the leaderboards for the quiz of Newton's laws of motion. Ab ye wo quiz nahi hai jahan pe aap apne aap ko test karoge ki aapko 11th standard mein JEE mein Newton's laws of motion ke bare mein kitna pata hai. Aaj hum ye test karne wale hain ki aap logon ne jo 7th standard se force aur laws of motion ke bare mein padha hai uske bare mein aap kitna aapko kitna yaad hai, कितनी सारी चीजें आपको याद है वो आज हम टेस्ट करेंगे. और मेरे बच्चों कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, जैसे सिंपल क्वेश्चन, जस्ट टू नो वेर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ. तो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन राइट नाउ, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू गाइस टू गो अहेड एंड ज्वाइन द क्वेश्चन राइट नाउ. आई वुड प्रेफर यू गाइस टू गो अहेड एंड ज्वाइन द क्वेश्चन ऑन ए मोबाइल फोन. और जो आपका सेशन आप लोगे वो लैपटॉप में करो. सेशन आप लैपटॉप में देखो, यूट्यूब लैपटॉप में खोल के रखो, और ये जो वेबसाइट है जहां पे आपको जाना है क्विज में एनरोल करने के लिए, इसको मोबाइल फोन में खोलो ताकि आप क्विज और सेशन को एक साथ कर सको. अगर आपको थोड़ी और दिक्कत हो रही है इसमें, सिंपल सी बात है, लैपटॉप पे ही करना है तो लैपटॉप में दो टैब्स खोल देना, सिंपल सी बात है, करेक्ट ना? जब भी मैं बोलो क्विज में जाओ तो क्विज टैब में चले जाना, वरना यहां पे आ जाना, सिंपल सी बात. एक और बेटर ऑप्शन है, चाहे तो स्प्लिट स्क्रीन कर लो. हर एक लैपटॉप में ये ऑप्शन होता है कि आप स्प्लिट स्क्रीन कर सको. तो एक साइड में टैब खोल दो, दूसरे टैब में आप क्विज को खोल लो. नाउ क्विज को ज्वाइन करने का तरीका, गो टू menti.com एंड पुट डाउन द कोड 450352. That's all. Put down the code 450352. आपको ये चैट में भी दिखाया जा रहा है. जैसे ही आप करोगे आप क्विज में एंटर हो जाओगे. देखते हैं कितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया है क्विज को. ठीक है? और मैं देख सकता हूं कि बहुत बच्चे हार्ट्स भेज रहे हैं, एंड दैट इज सो डैम लवली. थैंक यू सो मच. तो देखते हैं एक बार कि कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया. वेटिंग फॉर प्लेयर्स. और ओके, ऑसम. सो 20, 30, 31, 32 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है. लेट्स सी वेदर वी कैन रीच दैट नंबर एज 100 टुडे. जल्दी से ज्वाइन कर लो. जैसे जैसे सेशन चलता जाएगा वैसे वैसे क्विज भी आगे बढ़ते जाएगा. तो आज मेरे बच्चों दो चीजें होंगी. पहली बात, आपका ऑब्वियसली मेमोरी इंक्रीज होगा इन टर्म्स ऑफ फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन. मेमोरी इंक्रीज हुआ, आपकी IQ इंक्रीज हुई. दूसरी बात, जब आप थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ में करते हो, थ्योरी और थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन साथ में करते हो, आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी बढ़ती है. तो आज हम वो दोनों चीजों को टारगेट करेंगे ताकि आपका थ्योरी भी स्ट्रांग हो जाए और उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से वो भी क्लियर हो जाए. तो बच्चों आज दोनों साथ में होने वाले हैं. Anshul, there are going to be 15 questions, by the way. So 50 of you guys have already joined. ये याद रखता, हम बार बार ये डालते रहेंगे कि menti.com में जाओ और ये कोड है यहाँ पे. ठीक है? तो क्वेश्चन साथ में चलेगा जैसे जैसे हम थ्योरी पे चलेंगे. तो माय डियर सर, लेट्स गेट बैक टू द कॉन्सेप्ट. ओके, देखते हैं कि 100 बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं, बाय द वे. चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि सेशन में क्या होने वाला है. तो जैसे मैंने कहा बच्चों की न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे हम.
Before the session started, there were more than 50 likes. So I want all of you guys to hit that like button right now for all the amazing things you're gonna do today. देखते हैं कि क्या आज session end होने से पहले हम 500 likes cross कर सकते हैं कि नहीं. So let's give it a shot, guys. Let's give it a shot. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. तो जैसा हमने पहले भी कहा था बच्चों कि VSAT आ रहा है. आज August 1 है और VSAT होने वाला है 7 बजे को. भूलना मत. 10 करोड़ तक के इनाम मिल सकता है आपको. 10 करोड़ तक का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है. इसको मत छोड़ना बिल्कुल भी. आज भी आपके पास मौका होगा और उसके बाद अगस्त 4 को भी मौका होगा. बिल्कुल मत छोड़ना इस मौके को जहां पे 10 करोड़ तक के स्कॉलरशिप आपको मिल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द हेल्प ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल कोट. एंड द कोट सेज दैट लव द लाइफ यू लिव एंड लिव द लाइफ यू लव. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज रिलेट दैट विथ मी? कितने लोग इस बारे में सहमत है मुझसे? पसंद आया प्रीटी कोट? पसंद आया? क्या बात है, क्या बात है. या ऑल ऑफ यू गाइस रिलेट टू इट? ऑसमली वेल डन. बहुत बढ़िया. न्यू हियर, एवरी न्यू स्टूडेंट टू माय सेशंस, वेलकम टू दिस सेशन. यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग फैंटास्टिकली न्यू. थैंक यू सो मच गाइस फॉर रिलेटिंग दिस विद मी. मुझे लगा बहुत लोग ये समझ नहीं आएगा, लेकिन समझ आ गया आप लोगों को. बहुत ज्यादा तेज दिमाग है आपका. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ पिछले सेशन में हमने रिलेटिव मोशन खत्म किया था. उस रिलेटिव मोशन में हमने एंड में एक क्वेश्चन कराई थी. वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था, टू ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 km/h द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली. व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6 km/h इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द वर्टिकल. फाइंड द स्पीड ऑफ रेन. जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किया था पिछले सेशन में, बच्चों हमने रेन मैन प्रॉब्लम्स पर फोकस किया था. अगर नहीं किया था तो एक बार जाके देख लेना उस वीडियो को. और इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने वाली इंसान थी प्रतीक्षा जी दोबारा. सो प्रतीक्षा इज कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन फॉर द सेकेंड टाइम कॉन्सिक्यूटिवली. तो हर एक बच्चा बहुत ही मेहनत कर रहा है यहां पे आने के लिए. बहुत बहुत बढ़िया श्रेया. यस निम्रत, यस किरण. आई एम होपिंग डिसअपॉइंटेड विद दिस. इट्स ओके कनिष्का, इट्स स्टिल कनिष्का. कनिष्का प्रतीक्षा से सिर्फ 1 सेकंड पीछे थी, तो कोई बात नहीं यार, हो जाता है. प्रतीक्षा कांग्रेचुलेशंस वंस बैक अगेन. उम्मीद है कि आज के होमवर्क क्वेश्चन में भी प्रतीक्षा आएगी या तो कोई अमेजिंग सुपरस्टार उभरेगा नया. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानना है आपको तो रेन मैन के प्रॉब्लम्स देख लेना, उसमें सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने कराया हुआ है. सिंस आज नया चैप्टर है, मैं पिछले सेशन में कुछ नहीं करवाना चाहता, मैं आगे बढ़ रहा हूं. ठीक है, नाउ एनएलएम में हम बेसिकली दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और सबसे ज्यादा इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं. पहला है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन फॉर ऑब्वियस रीजंस. उसके बाद आता है फ्रिक्शन. ठीक है, तो फ्रिक्शन और इस पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन सीबीएसई 11th, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, एम्स सभी में. ठीक है, तो आज हमारा बेसिक टारगेट होगा कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन को हम तहस महस कर दें समझ के. ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों. कूल, नाउ लेट मी गो अहेड फॉर द क्विज. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं. क्विज में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. देखते हैं कि आप लोग कितना याद है. 65 ऑफ यू गाइस हैव जॉइंड. पीपल हु आर न्यू जस्ट जॉइंड राइट नाउ, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू गाइस टू जॉइन द क्विज राइट नाउ. मैं आपको 20 सेकंड और दूंगा. कैसे ज्वाइन करना है? menti.com एंड यूज द कोड 450352. menti.com 450352. गो ऑन टू योर मोबाइल फोन एंड गेट रेडी. People who are ready for the quiz, hit that balle balle right now. Come on, एक बार balle balle हो जाए. सभी लोग जो ready हैं, सर्वेश आपको सिर्फ जाना होगा इस link पे और आपको खोलना होगा, आपको ये code type करना होगा बस. 71 of you guys are there. बहुत बड़े थाना जी. I'm hopefully happy कि आपने अच्छा किया होगा. I'm pretty sure. balle balle, चलो ठीक है. So my dear students, question number 1 on your screens. In 3, 2, 1, let's go guys. A very simple question. You have to be the fastest person to get the maximum points. A force is defined as what? A force is defined by a push, a pull, or both of them. क्या लगता है आप लोगों को? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. आपको इसको करने के लिए मिलेंगे और 10 सेकंड. जल्दी हो जाए. सिंपल सा डेफिनेशन क्वेश्चन है आपके लिए. क्या लगता है आपके लिए? सी ए दीपांशु, सोनल एम ए. ओहो, सोनल एम ए तो कुछ ज्यादा हो गया. डिफाइन कैसे करोगे आप? डेफिनेशन फॉर्मूला से कभी नहीं होती है कोई चीज की. सोचो महक जी. बिल्कुल यस, ऑसमली वेल डन. 6 ऑफ यू गाइस सेड पुश. आई एम प्रीटी श्योर कि ये जल्दबाजी में हो गया होगा, लेकिन 69 ऑफ यू गाइस, व्हाट अ नंबर, 69 ऑफ यू गाइस गेट द राइट आंसर बोथ ऑफ देम. दैट्स परफेक्टली करेक्ट. अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज बोथ पुश एंड ए पुल. इस डेफिनेशन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे अभी थोड़ी देर में. ठीक है,
तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लीडर बोर्ड्स में कौन है। तो आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन, श्रुति इज ऑन द टॉप, विकल्प ऑन द सेकंड, मिहिर ऑन द थर्ड, डेविल ऑन द फोर्थ, किरण ऑन फिफ्थ, प्रतीक्षा ऑन द सिक्स्थ, अंशुल सेवेंथ, शशि एट, यश नाइन्थ और अपूर्व टेंथ में है। यार पॉइंट्स डिफरेंस देख रहे हो आप, 971 और 954। टॉप 10 के बीच में पॉइंट डिफरेंस इज मेयरली सम 17 पॉइंट्स। दिस इज awesome guys, this is the kind of competition which we require every day. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि concept किसका strong है, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं, session में आते हैं वापस। ये देखो, force क्या है? Force is nothing but, as we defined it, it is a push or a pull on an object which tends to change the states of motion. यानी कि जब आप एक object पे force apply करते हो, तो object का state of motion change हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये वर्ड जो टेंड्स टू चेंज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि फोर्स अगर अप्लाई करो तो आपका चेंज स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा ऑब्जेक्ट का। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहां पे दीवार है, मैं दीवार को धकेलूंगा, दीवार नहीं हिलने वाला है, तो मैं फोर्स तो बहुत अप्लाई कर रहा हूं, दीवार नहीं हिलने वाला। सो इट मे और मे नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो इसी बारे में अगर आगे बढ़े, तो जैसा मैंने कहा, अ फोर्स is, so to apply any force, the effect of force is experienced by pulling it, correct? या तो आप कोई चीज को pull करो, या तो आप कोई चीज को push करो, तब आप ये कह सकते हो कि आप force apply कर रहे हो। या तो push या तो pull के बिना आप ये नहीं कह सकते हो कि आप force apply कर रहे हो। मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, क्या मैं कोई force apply कर रहा हूं? नहीं। क्या अब मैं force कुछ apply कर रहा हूं? हाँ, मैं pull कर रहा हूं, करेक्ट? तो फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए पुश या पुल करना बहुत जरूरी है। इस बात को लेके अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, बताना है इसका आंसर। व्हेन योर पेरेंट्स गेट एंग्री ऑन यू, व्हाट डू दे डू टू योर फेस? डू दे पुश योर फेस और डू दे ओले पुल योर फेस? व्हाट डू यू डू, पुश और पुल? पुश श्रुति, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिलेट दैट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिलेट दैट विद देम? मतलब सर, ऐसा फोर्स हमने कभी समझा नहीं, समझा तुमने? पुश कर, बोथ करते हैं। अच्छा, गुस्सा होते वक्त पेरेंट्स आपके ओले भी करते हैं पुल करने के लिए? अच्छा, कान खींचते होंगे। ओ, कान खींचते होंगे ना? हाँ, ये सही है, ये सही है। आई एग्री। लपाड़ा लगता है, लगता है तुषार? कनिष्का इज लाइक सर, 1 लाख न्यूटन फोर्स लगता है। बहुत बढ़िया गाइस, द आंसर इज इट डेफिनेटली पुशेस योर फोर्स। सो एवरी स्टूडेंट हियर हु हैव गॉट 1 रपाटा फ्रॉम द पेरेंट्स, दे नो व्हाट एग्जैक्टली फोर्सेस, नो वन वांट्स टू डिफाइन देम। आपको डिफाइन करना है? नहीं, जानते हैं हम, एक्सपीरियंस किया है। सही बात है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, एक फुटबॉल गेम खेलते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव फुटबॉल? यार गिव मी अ क्विक यस, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव फुटबॉल? यार सबको पसंद है यहां पर फुटबॉल? बहुत खाए ना कोमल जी, मुझे पता है। मैंने भी बहुत खाए, सबको पता है फुटबॉल क्या होता है। कोई नो बोल दो प्यार से, मैं भी मान लूंगा वो, ठीक है? ये फुटबॉल गेम में जाने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? अब चलते हैं वापस क्विज में, देखते हैं कितने को ये आंसर पता होगा। क्विज ज्वाइन करना है दोबारा तो ये है लिंक, ठीक है? तो भूलना मत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। जल्दी जल्दी आंसर देना, सबसे फास्टेस्ट आंसर को सबसे तेज आंसर मिलेंगे। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, अ रिजिड ऑब्जेक्ट, ट्रू और फॉल्स? अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? क्या आप फोर्स जब अप्लाई करोगे रिजिड ऑब्जेक्ट पे, उसका शेप चेंज हो सकता है, ट्रू या फॉल्स? व्हाट यू गाइस थिंक? आई कुड सी 80 ऑफ यू गाइस हैव वोटेड, और मैं देखता हूं 81 क्रॉस कर रहा है। टाइम एंड्स होते हुए, अभी टाइम एंड्स होते हुए क्या हो गया मैंने इंग्लिश को? ओ हो हो, वाह वाह, मेरे शेर नौजवानों, क्या देख रहा हूं मैं? 9th स्टैंडर्ड, कौन सा वीक? 9th स्टैंडर्ड में लग गया रपाटा। 59 ऑफ यू गाइस गेव द रॉन्ग आंसर, 26 ऑफ यू गाइस गेव द राइट आंसर। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैंने उठा लिया ये, इसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, रिजिड ऑब्जेक्ट है, कुछ हो रहा है इस पे? नहीं हो रहा है भाई, नहीं होगा, रिजिड है, रिजिड पे नहीं होता है कुछ। रिजिड हमेशा आइडियल केस होता है, नॉन आइडियल केस का डिफरेंट है। अगर आपने उठा लिया बास्केटबॉल, वो होता है नॉन आइडियल केस, जिसको आप ऐसे पीटोगे उसका शेप भी चेंज होगा, साइज भी चेंज होगा। बलून उठा लो, बलून का शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, इजंट इट? तो ये बहुत ध्यान देना है मेरे बच्चों। देखते हैं कि इसके बाद अब लीडर बोर्ड में कौन है, और मैं देख सकता हूं कि 85 ऑफ यू गाइस आर प्लेइंग विद अस, 91 बच्चे हो चुके हैं, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखते हैं 100 क्रॉस करता है कि नहीं। Okay, a lot of new students coming onto the leaderboards right now. Vikalp on the top. Vikalp is on the top. Shashi on the second now. Devil, Monica, Dipanshu, Nimrat ji, welcome. Ra,
अनित पूर्वेश एंड अंजलि, गुड जॉब, वेरी वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर पाए आप लोगों के लिए, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो बेसिक से चलते हैं, ठीक है, बेसिक से चलते हैं। देखो इस जिफ को ध्यान से, एनिमेशन को देखना ध्यान से, वो बॉल रेस्ट पे है, वो बॉल रेस्ट पे है, उस बंदे ने बॉल को मारा, बॉल स्टार्टेड मूविंग, इस बंदे के पास बॉल आया, इस बंदे ने बॉल को रोका नहीं, बस उसका डायरेक्शन चेंज किया और बॉल सीधा गया गोल कीपर के पास। दोबारा देखो, बॉल रेस्ट पे है, बॉल हिला, बॉल यहां पहुंचा, बॉल रुका नहीं, डायरेक्शन चेंज हुआ और गोल कीपर ने बॉल को क्या किया, रोक दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या पता चला कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इट्स डायरेक्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट could be brought to rest with the help of a force as well. तो force क्या क्या कर सकता है? Force आपके object को move कर सकता है from rest. यानी कि any object which moves, force का application होना चाहिए वहां पे, है ना? क्या without the application of force motion हो सकती है? The answer is no. हाँ, ये हो सकता है कि आपको force दिखे ना वहां पे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फोर्स है नहीं वहां पे। समझ में आ रहा है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन हैड बीन अप्लाइड अ फोर्स ऑलरेडी देयर, वहां पे होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको जरूरी नहीं है कि बॉल को रोकना है सिर्फ, फोर्स की वजह से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। तीसरा, इट कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट एज वेल। इसी के साथ मैं आपको एक और एनिमेशन दिखाता हूं, ध्यान से देखो। यहां पे बॉल ऑलरेडी मूविंग होकर आ रहा है, ठीक है, बॉल ऑलरेडी मूव होकर आ रहा है, इसने रोका नहीं बट क्या कर दिया, उसको एक्सेलरेट कर दिया। यानी कि या तो मैं ऑब्जेक्ट को पूरा रोक सकता हूं या धीमा कर सकता हूं, या तो मैं फोर्स की हेल्प से फुटबॉल का स्पीड भी बढ़ा सकता हूं। दैट इज, आई कैन एक्चुअली डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो आपने 9th, 8th, 7th स्टैंडर्ड सब पढ़ी हुई है, तो मैं इसको ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला क्योंकि सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो अपने फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करो, अपनी मेमोरी बढ़ाओ और ज्यादा, ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प होगा। अगर मैं आगे बढ़ूं, अभी फुटबॉल गेम छोड़ते हैं, किचन पे चलते हैं। आप कितने बच्चे हमारे अपने खुद के घर के किचन जा चुके हैं? फुटबॉल ग्राउंड तो सभी लोग जा चुके होंगे, लेकिन कितने बच्चे अपने किचन में जा चुके हैं? गए हो? पक्का ना गए हो ना? ठीक है, बोलना मत बात है, सिर्फ खाने के लिए मत जाना, काम करने के लिए भी जाना, गुड, ओके। इस चीज को ध्यान से देखो, आटा गूंथते हुए देखा होगा आपने, मैं अपनी मम्मी को हर दिन देखता हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा आटा गूंथते हुए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहां पे इज द डॉग इन मोशन When the force is applied on it, क्या डो आपका मोशन में है? डो यहां से वहां जा रहा है, कुछ हो रहा है, वो पिकनिक पे जा रहा है, स्पेस घूम के वापस आ रहा है, 1 किलोमीटर दूर जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहां पे? The answer is no. The डो is not in motion. नहीं, डो मूव नहीं हो रहा है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में नहीं जा रहा है, वो मेरी तरह नहीं जा रहा है, लेकिन डो में क्या हो रहा है? इसका आंसर दो। Is the डो shape changing when force is applied on it? Then your answer would be yes. Very good, Ayushman Dash. Your answer is perfectly correct. Iska answer hai yes. Aapka dough ka shape change ho raha hai. Yaani ke jab aap force apply karte ho, us object ka shape bhi change ho sakta hai. Lekin kya dough ek rigid object hai? Nahin. Dough is not a rigid object. Neither is a balloon, neither is a ball, neither is a sponge ball, neither me. I am not a rigid object. Mere yahan pe bahut sare fat hai, बहुत कुछ होता रहता है, समझ में आ रहा है? तो मेरे बच्चों, लेकिन रिजिड ऑब्जेक्ट में ऐसे नहीं हो सकता। रिजिड ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिजिड ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका इतना सख्त है वो कि उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। अगर आप फोर्स और लगाओगे तो टूट के दो में बट जाएगा, लेकिन उसका इनिशियल शेप और साइज चेंज नहीं होने वाला है, टूट के दो हो जाएगा, उन दो पे और फोर्स अप्लाई करो आप, तब नहीं टूटने वाला हो, समझ में आ रहा है? तो ब्रेकेज हो सकता है लेकिन शेप एंड साइज विद द हेल्प ऑफ द फोर्स नहीं चेंज हो सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, लेकिन अब कम्स द फाइनल क्वेश्चन रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, वो ये है, इज इट नेसेसरी दैट अ फोर्स कैन ऑलवेज कॉज ऑल दीज थिंग्स और वन ऑफ दीज थिंग्स? द आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल, इस बंदे को देख लो, वो दीवार को ठोक रहा है, पूरा धकेल रहा है, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, ना शेप चेंज हो रहा है, ना साइज चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना वो हिल भी रहा है, स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज नहीं हो रहा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द फाइनल कंक्लूजन हियर इज, अ फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, बिल्कुल, शेप साइज सब चेंज, डिक्रीज इंक्रीज स्पीड सब कर देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करेगा।
तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना बच्चों. आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू गाइस रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्मॉल स्मॉल थिंग्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए 11th स्टैंडर्ड. अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब आते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ. अब वापस आते हैं क्विज में. तो 91 ऑफ यू गाइस आर हियर. इफ यू गाइस वांट टू जॉइन, यू कैन जॉइन राइट नाउ, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडी हो जाओ. ओके, अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. ओके, देखते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इज इट अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? दिस इज सीबीएसई 8th ग्रेड स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं 8th में पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि कौन सा सिलेबस में है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स 8th स्टैंडर्ड में आता है. ये आपका सेकंड चैप्टर है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर. तो बताओ मुझे क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? इज टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या है बताओ. दीपांशु नॉन कॉन्टैक्ट है. देखते कितने बच्चों सही आंसर दिया. अरे रे रे, 30 ऑफ यू गाइस वेंट रॉन्ग हियर. 8th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट वीक थोड़ा, कोई बात नहीं, अब स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा. इट इज डेफिनेटली अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट. अभी नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, देखो ये पेन है यहां पे, जो भी है मेरे हाथ में, अगर मैं इसको छोड़ूंगा कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा. क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज खींच रहा है, उसे नीचे जाना चाहिए. करेक्ट, ऑब्वियसली नीचे जाना चाहिए. लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स दिख रहा है आपको यहां पे? क्या मेरी जो धरती है, अर्थ है, इसके साथ कॉन्टैक्ट में है जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसको? द आंसर इज नो. सो देर आर फ्यू फोर्सेस विच कैन बी अप्लाइड विदाउट द ऑब्जेक्ट्स बीइंग इन कॉन्टैक्ट, एंड दोस काइंड ऑफ फोर्सेस क्या कहते हैं उसे हम? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. जो फोर्सेस बिना कॉन्टैक्ट में आए अप्लाइड हो सकते हैं उनको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे इसी के बारे में, लेकिन उससे पहले लीडर बोर्ड देखते हैं. 97 ऑफ यू गाइस आर देयर, दिस इज ऑसम. अब क्या हो रहा है? अब कुछ हुआ चेंज? अरे रे, क्या देख रहा हूं मैं, मस्त मचा रहे हो बच्चों, मचा रहे हो. ओ हो हो, विकल्प को नीचे करते हुए डेविल ऊपर. मोनिका सेकंड में क्या देख सकता हूं मैं? डेविल का पॉइंट है 2898, मोनिका का पॉइंट है 2894, सिर्फ 4 पॉइंट्स का डिफरेंस. और विकल्प का पॉइंट डिफरेंस है अगेन 4 पॉइंट्स. दिस इज गोइंग एपिकली ऑसम. दीपांशु अब फोर्थ में है. रा कम्स ऑन द फिफ्थ, अनित ऑन सिक्स, अंजलि ऑन सेवेंथ, एंड स्मरण ऑन एट, पूर्वेश ऑन नाइन्थ, एंड गिरी, सो नॉट गिरी, गर्ल ऑन द टेंथ. दिस इज एपिक. So which girl is that? Do let me know. बहुत ही बढ़िया guys, बहुत मचा रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया. अगर अभी तक आप लोग enjoy कर रहे हो session को, hit that like button as fast as possible right now. Let me ask you one more question. Get ready. This becomes the fourth question for today. अब देखते हैं कितने बच्चे इसका answer दे पाते हैं. ध्यान से देखो. What about friction then? Is friction a contact force or a non-contact force? Here is your option. Contact or non-contact? 20 second है आपके पास. एसपी टेक इन्फो टुडे इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शंस. फुली क्वेश्चंस हम डिटेल में करेंगे लेटर, राइट नाउ वी जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अवर चैप्टर. कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट क्या लगता है आपको? कॉन्टैक्ट है, ऑब्वियस सी बात है. फ्रिक्शन तो हवा में नहीं हो सकती है ना, बिल्कुल. ये हुई ना बात, देखते हैं. 98 ऑफ यू गाइस आर सुपरबली ऑसम. 98 प्लस 12 यानी कि 110 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे क्विज को. दिस इज ऑसम. 98 ऑफ यू गाइस गेव द राइट आंसर. इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. And it is not a non-contact force. सिंपल सी बात है यार, जब मैं वॉक करता हूं जमीन पे, जमीन और मेरे बीच में फ्रिक्शन होती है. फ्रिक्शन इज ऑलवेज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. नाउ दिस ऑब्जेक्ट कुड बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. एवरीथिंग इज मैटर. सो आई शुड बी वेरी क्लियरली सेइंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ मैटर. या तो वो लिक्विड लिक्विड के बीच में हो सकता है, गैस गैस के बीच में हो सकता है, गैस लिक्विड के बीच में हो सकता है, या तो सॉलिड लिक्विड के बीच में हो सकता है, सॉलिड गैस के बीच में हो सकता है. बहुत सारे तरीके हैं. एंड एवरी काइंड ऑफ फोर्स विच रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड्स में कौन है इस क्वेश्चन के बाद. इस क्वेश्चन के बाद क्या चेंजेस हुई है? मैं देख सकता हूं कि अदिति रंजन आर द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड दिस पर्टिकुलर लीडर बोर्ड. कांग्रेचुलेशंस गाइस. क्या देख रहा हूं मैं, एनी चेंजेस? ओ हो हो हो, विकल्प अपने पोजीशन को वापस लेते हो. विकल्प इज लाइक आर्स, तो मैं जीतेगा कुछ भी कर लो. ओके, सो विकल्प ऑन द टॉप, मोनिका ऑन सेकंड, अब दीपांशु थर्ड पे, रा फोर्थ, स्मरण फिफ्थ, अनित सिक्स, अंजलि सेवन, पूर्वेश एट, रजन नाइन्थ और अदिति टेंथ पे है. ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट मैन, गुड जॉब. पीपल हु आर नॉट ऑन द लीडर बोर्ड्स, इट इज ओके, चिल मारो, कर लोगे आप. क्विज ज्वाइन करना है ये है ऊपर, menti.com पे जाओ, इसको डालो और अब क्विज में हो. अब चलते हैं आगे. तो अभी हमने क्या समझा कि बच्चों बहुत डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस होते हैं. सबसे पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस को अगर मैं डिफाइन कर लूं आप लोगों के साथ, पहला होता है मस्कुलर फोर्स, यानी कि मैं पुश कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं. मैं किसी चीज को तब तक पुश नहीं कर सकता जब तक मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहूंगा. मैं किसी चीज को तब तक पुश नहीं कर सकता जब तक मैं किसी पे कॉन्टैक्ट नहीं होऊंगा ना.
मैं अभी पुश कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मैं किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, मैं पुल भी नहीं कर सकता जब तक मैं किसी से कॉन्टैक्ट में ना रहूँ, तो वो आती है मस्कुलर फोर्स। आप इसी मस्कुलर फोर्स को अप्लाइड फोर्स भी कह सकते हो, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है? लेकिन जहां पे भी आपके मसल्स के थ्रू फोर्स आ रही है उसको हम कह रहे हैं मस्कुलर फोर्स। अब आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन का तो डिटेल में बताया आपको, दो सरफेस हैज टू कम इन कॉन्टैक्ट, देन ओनली फ्रिक्शन कैन हैपन। तीसरा आता है ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स क्या होता है? हम सब बाइक में बैठ के गाड़ी चलाते हैं, या बाइक पे बैठ के, ऑब्वियसली बाइक पे बैठ के गाड़ी चलाएंगे ना, बाइक चलाते हैं हम सब, साइकिल चलाते हैं, बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, हम सब ने ये फोर्स एक्सपीरियंस किया है। जैसे हम तेजी से बढ़ते हैं, वी कैन फील अ लॉट ऑफ एयर कमिंग ऑन अस, और वो एयर जो है हमें ढकेलता है पीछे की तरफ, बहुत ढकेलता है ना। क्यों ढकेलता है? क्योंकि वो एक पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या मेरा स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? नो। अगर कोई चीज मुझे ढकेल रही है, इसका मतलब कि मुझ पे फोर्स अप्लाई कर रही है, उस फोर्स को हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स। एंड द ड्रैग फोर्स आर यूजुअली, नॉट यूजुअली, एवरी टाइम प्रोवाइडेड बाय फ्लूइड्स, यानी कि लिक्विड और गैसेस, ठीक है? याद रखना। अब आते हैं स्प्रिंग फोर्स की तरफ। ये इसको हमने सेपरेट रखा हुआ है क्योंकि स्प्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स देती है, और स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का एप्लीकेशन भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है, ठीक है? फिर आता है नॉर्मल फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या है? ये सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है, समझो मेरे बच्चों। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर, यहां पे क्यों ऊपर रखा हुआ है? ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? ग्रेविटेशनल फोर्सेस खींच रही नीचे, नीचे क्यों नहीं जा रहा ये? मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूं, इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे नीचे खींचनी चाहिए, और कहां तक खींचनी चाहिए? अंटिल द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर अर्थ, क्योंकि वहां से ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होती है। तो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और मैं यहां पे पूछ रहा हूं कि यार ये पेन नीचे क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही? ग्रेविटेशनल फोर्स शुड पुल इट डाउन, नो? नहीं होता। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा हुआ है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे नीचे खींच रहा है, विच इज द एक्शन, इसके अगेंस्ट एक रिएक्शन पैदा होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। अब ध्यान से समझो इसे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में डरना नहीं है, अब मैं इसको बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे नीचे खींच रही है, ये मेरा एक्शन हुआ। क्या हुआ? ये मेरा हुआ एक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मेरा एक रिएक्शन होना चाहिए एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एक्शन, और हुआ मेरा ये। इस फोर्स को, ये जो रिएक्शन है ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, इस रिएक्शन को क्या नाम दूंगा मैं? इस रिएक्शन को मैं नाम दूंगा नॉर्मल। इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। इन जनरल नॉर्मल का मैथमेटिकल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसलिए आप देख सकते हो कि नॉर्मल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट या तो सरफेस के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम कहते हैं उसे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए उसका नाम नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि वो काफी नॉर्मल बच्चा है इसलिए नाम नॉर्मल रख दिया, नहीं, ठीक है? इसका नाम नॉर्मल इसलिए है क्योंकि वह सरफेस और ऑब्जेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? यह बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात। तो ये नॉर्मल फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में, अभी इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है? सिंपल सी चीज थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच इज नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट तो ऑब्वियसली अब समझ में आ चुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, पता है हम सबको, मैग्नेट को आप आयरन नेल्स की तरफ ले जाओगे वो खिंच जाएगा, ऐसा थोड़ी कि मैग्नेट जाके उसे पकड़ के ले आता है, ऐसा तो नहीं होता। कॉन्टैक्ट होता नहीं है, वो बस खींच लेता है। उसी तरीके से होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वी नो इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सबको पता है। क्यों भाई, थोड़ी उसे न्यूक्लियस पकड़ के ऐसे घुमा रहा है? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, उस वजह से वो घूम रहा है, करेक्ट? तो ये सारी सिंपल सिंपल चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, मैं बस उसे रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपके एनएलएम जो है स्ट्रांग होता जाए, फोर्स स्ट्रांग होता जाए। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है? अभी चलते हैं एक और क्विज की तरफ, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन देने वाला है सही। तो पीपल हु हैव जॉइंड द सेशन न्यू, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू गाइस टू गो टू menti.com एंड पुट डाउन द कोड 450352 और आप क्विज के अंदर होंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी गाइस, दिस इज द आई थिंक दिस इज द फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, नॉट श्योर, पता चल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑल फोर्सेस इन नेचर कैन बी कंबाइंड टू गिव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कितने टाइप के होते हैं? एक, दो, तीन या चार? ये आपका 11th स्टैंडर्ड का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, या तो मेरे ख्याल से पहले चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन है। कितने टाइप के? दो टाइप के दीपांशु, तीन टाइप के, चार टाइप के श्रुति,
अमर चार, ओहो, क्या बात है, टाइम इज एंड, ओहो, बेहतरीन, क्या बात है, 45 ऑफ यू गाइस गेव द राइट आंसर, इट इज डेफिनेटली 4. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज की 4. चार बेसिक या फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं इन नेचर. कितने? चार बेसिक, उससे ज्यादा नहीं होते. ठीक है, सारे फोर्सेस जो हम जानते हैं उनको कंबाइन करके बनाया जाता है ये 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. वो कौन कौन से हम पढ़ेंगे, पहले हम देख के लीडर बोर्ड्स में कौन है. और 140 हो चुके हैं नंबर, बहुत ही बढ़िया. और मैं क्या देख रहा हूं, विकल्प ऊपर, मोनिका नीचे, दीपांशु रा आंसर नहीं दे पाया इसका. दीपांशु जी क्या देख रहा हूं मैं? ओके, सो मोनिका इज ऑन टॉप, विकल्प ऑन सेकंड, अनित ऑन थर्ड, रजन ऑन फोर्थ, श्रुति ऑन फिफ्थ, मेहर 6, देविल 7, दीपांशु 8, रा ऑन 9, देन जिज्ञासु. जिज्ञासु वेलकम टू द लीडर बोर्ड्स, वेरी वेल डन. अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये क्या हो रहा है. वेरी गुड प्रतीक्षा, प्रतीक्षा गिव्स मी द आंसर. बहुत ही बढ़िया प्रतीक्षा, क्या बात है प्रतीक्षा, सही आंसर देते हुए. सबको पता होगा ये बच्चों, सबको ये आंसर पता होगा. वेरी गुड श्रुति, करेक्ट. क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. दूसरा है फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स. फिर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फिर फाइनली आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. इजंट इट? ये चार टाइप के बेसिक फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर को डिफाइन किया गया है. सारे फोर्सेस जो यूनिवर्स में एक्सिस्ट करती हैं उनको इन चार चीजों में हम कंबाइन कर सकते हैं. Isn't it? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहला क्या है, सबसे पहला होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि एक्चुअली में काफी स्ट्रॉन्ग है. ये कहां एक्ट करता है बताता हूं मैं आपको. हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस ऐसा कोई बाउंड्री वाउंड्री होता नहीं है, बस प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. वो एक क्लस्टर्ड फॉर्म में होते हैं, तो उस क्लस्टर्ड बॉल को हम बोल देते हैं न्यूक्लियस. ऐसे नहीं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बाउंड्री है, एक रेलिंग बनी हुई है, उसके साइड में रोड्स बने हुए, ऐसा कुछ नहीं होता है. एक क्लस्टर होता है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है. अब बच्चों मुझे बताओ कि प्रोटॉन्स कौन से चार्ज का होता है? प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज होती है? एग्जैक्टली राइट तानिया, प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज होती है जल्दी बताओ. Quickly let me know on the chat right now. We'll go back to the quiz very soon. Positive Pratiksha, positive Nimrat, Shashi. Very good Ajay, very good Dipanshu. बहुत बढ़िया. Everyone who's giving the answer as positive, you're perfect. तो यानी कि हर एक, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? होते हैं न्यूट्रल, ये भी हम जानते हैं. तो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल. तो जब इतने सारे प्रोटॉन्स यानी कि इतने सारे पॉजिटिव चीजें एक जगह पे बंधी हुई है, कैसे? क्योंकि लाइक चार्जेस शुड रिपल ईच अदर. तो न्यूक्लियस में इतने क्लोज लाइक चार्जेस हैं, इतने सारे लाइक चार्जेस हैं, वो सब एक साथ एक्सप्लोड नहीं होने चाहिए, ऐसे रिपल नहीं करने चाहिए, होना चाहिए ना. क्यों नहीं होता? क्योंकि द न्यूक्लियस इज बाइंडेड विथ अ फोर्स कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब ये क्यों होता है, ये आपके जे लेवल का भी नहीं है ना, कॉलेज लेवल का है, तो उसको जाने देते हैं. बस इतना याद रखो कि द प्रोटॉन्स are strongly bounded with a force called as strong nuclear force. अब क्या ये strong nuclear force सबसे strongest force है? Give me yes or no. क्या ये strong nuclear force सबसे strongest force है? A yes or a no. No Shreya? Yes. भले भले वैसे ही, thank you so much. No, yes. Okay, बहुत बच्चे yes बोल रहे हैं, बहुत बच्चे no बोल रहे हैं, क्या बात है? Yes, no, no, yes. Interesting. Oh, 50% yes बोल रहे हैं, 50% no बोल रहे हैं. मेरे बच्चों, ये सबसे ज्यादा strong nuclear force है, ये strongest है. कोई उसमें मतलब disagreement नहीं है, लेकिन एक छोटी सी खामियत है यहां पे. There is a small disadvantage of strong nuclear force. वो disadvantage क्या है? आप समझो इस question को. मैं अभी एक quiz question पूछता हूं आपसे, इसका answer मुझे देना, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि strong nuclear force actually में सबसे ज्यादा strongest है, लेकिन एक बट है वहां पे. वो बट क्या, मैं समझाता हूं आप लोगों को. अब आगे बढ़ते हैं फॉर द क्विज. ये रहा क्विज ऑन योर स्क्रीन. हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. इसका आंसर देना मुझे, इसका आंसर देना, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं. ओके, आंसर द फास्टेस्ट टू गेट द मैक्सिमम पॉइंट्स गाइस. What is the range of distances where the strong nuclear force gets activated? Very good Kanishka, you gave the answer for the but already. Electricity pass नहीं होती निशु जी, क्या वही आंसर है? Think, small region valid. Yes, Shiv. Perfect, Shiv. A, B, C or D, guys. इसका range क्या है? 1000 meters तक range होता है, मतलब 1 kilometer तक, या तो 10 power minus 15 meters, या 10 power 15 meters, या 0.15 meter.
Very good. 69 of you guys gave the right answer. The range of strong nuclear force is 10 power minus 15 meter. Yani ke jo proton aur ek proton ke beech ka jo distance hai, uska distance 10 पर माइनस 15 मीटर होना चाहिए, 0 से 10 पर माइनस 15 मीटर होना चाहिए. अगर नहीं होता है तब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट नहीं हो सकती. तो यानी कि लाइट चार्जेस को आना होता है इतना नजदीक कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो सके, वरना एक्टिवेटेड नहीं रहता है. इस वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, क्योंकि सब जगह दिखता नहीं है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लीडर बोर्ड में कौन है. 147 बच्चे हो चुके हैं क्विज में, क्या बात है. नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा 150 हो चुका होगा, आई एम प्रीटी श्योर. ओके ऑसम, क्या देख रहा हूं मैं. ओहो मोनिका ओवरक्रॉस कर चुके विकल्प को. साहित्य आ चुके हैं, साहित्य वेलकम टू दी लीडर बोर्ड्स. कनिष्का जी नमस्ते, राम राम. कनिष्का जी भी आ चुके हैं लीडर बोर्ड्स में, क्या बात है, बहुत बढ़िया गाइस. श्रुति जी भी आ चुके हैं फोर्थ में. राइज ऑन दी 10th क्वेश्चन, यू गाइस आर ऑल डूइंग रियली रियली ग्रेट. तो बच्चों ये 6th क्वेश्चन था, हमारे पास 9 क्वेश्चन और बाकी है. जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या सीखने को मिलेगा हमें. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं फॉर दी नेक्स्ट पार्ट राइट नाउ, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा आप लोगों की तरफ से. ध्यान से देखो इसे. तो हमने जैसे समझा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, तो फिर कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है. बच्चों मुझे बता सकते हो कि इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, जल्दी बताओ. प्रिटी 21st रैंक, ऑसम. सोचो, जल्दी सोच के बताओ इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, जल्दी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, संदीप ने बोला ग्रेविटेशन, अमर कहता है ग्रेविटेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तानिया, वो तो ये हो गया ना, रेंज कंफाइंड हो गया, ग्रेविटेशन हो गया. अच्छा, अब मैं देख सकता हूं कि मैक्सिमम बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है. बहुत बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है, तो कंफ्यूजन है. एक छोटा सा 50-50% आपके दिमाग में भी चल रहा है. अच्छा समझो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता, इमेजिन, तो क्या मैं यहां पर खड़ा हो पाता. वुड आई बी एबल टू स्टैंड राइट हियर और वॉक राइट हियर इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मेरी सारी बॉडी पार्ट अट्रैक्ट हो जानी चाहिए धरती की तरफ और मैं चिपक जाऊंगा वहां पे, हिल नहीं पाऊंगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है, मैं हिल नहीं पाऊंगा. व्हाई एम आई स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रनिंग थ्रू माई बॉडी. यू गाइस आर सिटिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप बिकॉज यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनसाइड यू. Which electromagnetic force is this? This is the electromagnetic force between every single atom in you, the electrons and the nucleus. In दोनों के बीच में जो electromagnetic force है, उस force की वजह से आप लोग अभी बैठे हुए हो सीधा, वरना आप चिपक जाते नीचे. तो my dear students, electromagnetic force is the strongest force in nature right now, apart from the strong nuclear force which acts only in a confined region. I hope you guys got the point. I hope it was interesting for you. And my dear students, if you guys agree to me all this, hit that like button as fast as possible. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. अब आ गया classification of force. ठीक है, simple सी बात है. हमने अभी दो classification पढ़ लिए, contact, non-contact, फिर fundamental classification. अब आता है दूसरा classification. ये दूसरा classification क्या है? Simple है बच्चों. ऐसे कुछ forces होते हैं जो हमें दिखता है और कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जो हमें नहीं दिखता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ध्यान से यहां पे देखने के लिए बोलूं, यहां पे ध्यान से सुनना, जब ये खिचम खिचाई होती है, जब ये पुल और पुश होता है, इस पे ध्यान से देखो, ये बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इस फोर्स का एक रिएक्शन होना चाहिए. कहां पे? एग्जैक्टली वेयर ही हैज अप्लाइड द फोर्स, होना चाहिए ना. वैसे ही ये बंदा जब ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसको मैंने मान लिया F2, इसको मैंने मान लिया F1, इस F2 फोर्स के अगेंस्ट भी रिएक्शन होनी चाहिए बॉडी में, करेक्ट. तो इसको, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ये जो दो फोर्स है जो उस रोप के अंदर हो रही है, वो उस मटेरियल के अंदर हो रही है ना, सिस्टम के अंदर हो रही है, वो जो सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं. सिस्टम क्या है? यहां पे रोप है, उस पे काम कर रहे हैं हम. तो इस जो फोर्सेस सिस्टम के अंदर होती है उनको हम कहेंगे इंटरनल फोर्सेस. क्या कहेंगे हम? इंटरनल फोर्सेस. और जब ये रोप की बात हो रही है, स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो वायर की बात हो रही है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं टेंशन. क्या कहते हैं हम? टेंशन फोर्स कहते हैं इन द केस ऑफ स्ट्रिंग और द वायर और द रोप. समझ लिया? सो टेंशन फोर्स क्या है?
टेंशन फोर्स एक्चुअली में एक रिएक्शन फोर्स है अगेंस्ट दी फोर्स विच यू अप्लाई. ये पता नहीं था हमें, हमारे ख्याल से टेंशन फोर्स सब वायर में होती है. नहीं, उसी वायर में होगी जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया है. और ये जो फोर्सेस है जो आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि आप इसे एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो. दोस्तों क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस. तो बच्चों ये था हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन फोर्सेस का, उसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है अबाउट दी फोर्सेस. आगे बढ़ते हैं, अब हम आ रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में. ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि सबको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता है. ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्विज में चलते हैं. अब मजा आने वाला है क्योंकि लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो रहे हैं. लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से एक बल्ले बल्ले बताना कि सबको समझ आ चुका है फोर्सेस के बारे में सब कुछ. गिव मी अ क्विक बल्ले बल्ले, गिव मी अ क्विक बल्ले बल्ले. आयुषी कोड, क्विज का कोड यहां पे ऊपर आपके 450352. बल्ले बल्ले समझ आ रहा है सबको. सोनक जी मजा आ रहा है आप लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया. हिट दैट लाइक बटन इफ यू गाइस. कितने हो गए लाइक्स, मुझे पता नहीं कि लाइक्स कितने हो गए. बच्चों बता देना मुझे एक बार कितने लाइक्स हो चुके हैं. 100 क्रॉस कर दिया, बता देना, मैं देख नहीं सकता हूं कितने लाइक हो गए. बहुत खूब, 216. अरे कॉरेक्ट जी, थैंक यू सो मच. 216 हो चुके, 200 लाइक्स क्रॉस. देखते हैं कि आज 500 होता है कि नहीं. ठीक है, देखते हैं कि 500 हो पाता है कि नहीं. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ये आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, गलती मत कर बैठना, ध्यान से पढ़ना इसको. व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप. Inertia of motion, inertia of rest, inertia of direction, both A and B. Inertia के बाद आ चुकी है अभी, कुछ तो करना है अभी. 3, 2, 1 and your time is up. देखते हैं. Good, 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 good. 57 of you guys answered it right. Inertia of motion. लेकिन बहुत बच्चों को यहां से गलत निकल गया. Out of 95 who voted, only 57 who got it right. तो इसका मतलब ये है कि आपको ये concept strong करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मैं चलता हूं उस direction की तरफ, but leaderboards देख लेते हैं. बट कितने बच्चे हो चुके हैं, 154 क्रॉस कर चुके हैं बच्चे हम, बहुत बहुत बढ़िया. तो मैं क्या देख रहा हूँ, मोनिका अभी टॉप पे है. विकल्प और अनित इसका आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, देखते हैं. श्रुति ने इसका आंसर दे दिया, वो सेकंड पोजिशन में आ चुकी है. कोई नया बच्चा, प्रांशु, वेरी गुड प्रांशु, वेलकम टू द टॉप 10. प्रशांत, वेलकम टू द टॉप 10. शौर्य, यू ऑल्सो. राजन, वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस गाइस, वेरी वेल डन. अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखता हूं कि आगे क्या हो रहा है. ठीक है, अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल सी चीज है. ये कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट or in motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. अगर आप ध्यान से सुनोगे, मैंने कहा कि unbalanced force पे ज्यादा emphasis दिया मैंने. क्यों? Unbalanced force होना काफी ज्यादा जरूरी है. क्यों होना जरूरी है, imagine करो, यहां पे मैं force apply कर रहा हूं. ठीक है, force apply कर रहा हूं, कुछ हो रहा है, movement हो रही है, नहीं. क्यों? मैं इस हाथ से जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और इस हाथ से जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बैलेंस हो चुके हैं. यहां से 10 न्यूटन, यहां से 10 न्यूटन, सेम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कब मूव होगा? तब मूव होगा जब मेरा इस हाथ का फोर्स इसको ओवरटेक करेगा. और किस डायरेक्शन में मूव होगा? उस डायरेक्शन में मूव होगा जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स ज्यादा है. तो अगर 20 न्यूटन फोर्स मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन अप्लाई करता हूं, तो किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होगा? इसी डायरेक्शन में, करेक्ट. एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स. तो इस बात को आपको याद रखना है दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल सी बात, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट. जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है फॉर द फुटबॉल. फुटबॉल रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहेगा, वहां बैठे बैठे चिल मारेगा. जैसे आपने अनबैलेंस फोर्स दिया, अनबैलेंस क्यों, आपने लात मारी उसे, उसको अगेंस्ट कुछ है नहीं, तो वो निकल जाएगा बॉल. तो बॉल स्टार्टेड मूविंग, इट विल कंटिन्यू मूविंग अंटिल सम अदर फोर्स एक्ट्स ऑन इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज नथिंग बट प्योरली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. बस एक और क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस इन द टर्म्स ऑफ क्विज. आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट्स गो गाइस, let's go, we are moving on forward for question number 7. chalo, the natural state of an object was considered to be, ye main puch raha hu jab laws of motion consider kiye gaye the usse pehle natural state of an object kya mana jata tha, rest, motion or socho, at rest and in motion,
intervals of time. Think, kya mana jata tha? The natural state of an object kya mana jata tha? Socho. Very good. 68 of you guys understood the question very clear and gave the right answer. 68 of you guys said, sir, at rest. Exactly right. ये माना जाता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो उसका नेचुरल स्टेट है. लेकिन जब तक न्यूटन ने इस गैलीलियो के हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस दिया था गैलीलियो ने, जब न्यूटन ने गैलीलियो के हाइपोथेसिस को उठाया, उस पर काम किया, तब ये बात समझ में आई कि ओके, इंटरेस्टिंगली अगर मेरा ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तब वो मूवमेंट में ही रहेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. यानी कि अभी क्या कंसीडर किया जाता है, अभी द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बोथ एट रेस्ट एंड एज वेल एज इन मोशन. पहले एट रेस्ट हुआ करता था. बहुत बढ़िया गाइस, यू गाइस हैव नेल्ड इट. अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड्स में कौन है इस क्वेश्चन के बाद. ओके, मोनिका जी अभी भी मचाती हुई. श्रुति हैज गिवन द आंसर बिफोर मोनिका एंड शी गेव इट फास्टर. कुछ हुआ चेंज? नहीं. लेकिन मोनिका टॉप में, श्रुति सेकंड में, डेविल्स थर्ड, विकल्प फोर, प्रशांत फिफ्थ, राजन सिक्स, पूर्वेश सेवन, दीपांशु एट, कनिष्का नाइन्थ एंड गौतम सिंह जी नमस्ते, वेलकम टू द टॉप 10. यू आर ऑन द लीडर बोर्ड्स बड़ी, यू आर ऑन द लीडर बोर्ड्स. वेरी गुड प्रतीक्षा, यू हैव रॉक्ड इट अमेजिंगली. 161 स्टूडेंट्स हो चुके हैं यार, मचा रहे हो आप लोग. अब हम चलते हैं वापस और देखते हैं क्या हो रहा है. ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जैसे हमने बताया, एग्जाम्पल्स ये सारे हैं. हम सारे लोग पंजा लड़ाते हैं एक दूसरे से, करेक्ट, पंजा लड़ाते हैं एक दूसरे से जब तक हमारा फोर्स इक्वल होता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता है. जैसे ही दूसरे बंदे ने जोर लगा दी, मतलब लेट गया पूरा ऊपर, पूरा फोर्स आ जाता है तो अनबैलेंस फोर्स की तरफ वो मूव करता है. सिंपल. एक डोर को तब तक आप नहीं खोल सकते हो जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे. जैसे फोर्स अप्लाई किया, किस तरफ मूव होगा वो, जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. वैसे ये देख लो, जब तक फोर्सेस टग ऑफ वार में सेम रहते हैं, 300 न्यूटन 300 न्यूटन, वो रोप नहीं हिलने वाला. तभी मूव होगा जब एक साइड का फोर्स 400 न्यूटन हो जाएगा, या तो कुछ और हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी वो मूव करेगा. किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ द अनबैलेंस फोर्स. तो इन सारी चीजों को मेरे बच्चों याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो विच इज समथिंग रिलेटेड टू हॉट्स लेवल, मतलब थोड़ा हायर ऑर्डर है. देखते हैं कि मेरे बच्चों का एनालिटिकल स्किल्स कितना ज्यादा है. ठीक है, अब मैं आता हूं क्विज की तरफ दोबारा. रेडी? ऑलरेडी? ठीक है, अब आए आप लोग यहां पे. हाँ, ये बहुत थोड़ा हॉट सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. अरे ये तो मैंने बता दिया, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया. इसके बाद दोबारा आऊंगा, डोंट वरी, एक और क्वेश्चन आएगा इसके बाद. सो बैलेंस और अनबैलेंस क्या लगता है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, बैलेंस और अनबैलेंस. इसका आंसर मुझे सभी लोगों से सही चाहिए, क्योंकि इसको आपने बहुत ही इंटरेस्टिंगली किया था. फ्यूचर डॉक्टर रिया सिंह जी, जो भी डाउट्स हो आपको मुझे बता देना इन द कमेंट सेक्शन में, आपको क्लियर कर दूंगा. सिंपल सी बात. टाइम हो गया आप चुका है, 103 बच्चों ने वोट कर दिया. कितने लोगों ने सही आंसर दिया? ओ हो, अभी भी 29 बच्चों को डाउट है इस बारे में. मेरे बच्चों, अनबैलेंस फोर्स की तरफ आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, ऑप्शन बी है, राइट? वेरी गुड एग्जाइलेट प्रथम, वेरी गुड प्रमोद, निमृत जी, स्नेहल, रामचरण, वेरी गुड फन सेंटर, हिमांशु, ये हुई ना बात, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. कितने लोग ऊपर अभी? कोई चेंजेस? अंशुमन आ चुका है, अंशुमन, विकास तिवारी, हार्ले क्विन दोबारा देख रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया. डेविल आंसर नहीं दे पाया जिसकी वजह से नीचे आ गया. कनिष्का ऊपर जा चुके हैं, पूर्वेश भी ऊपर जा चुका है. कांग्रेचुलेशंस गाइस, वेरी वेल डन. एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इसका देखते हैं इसका आंसर कौन देता है. अगर क्विज ज्वाइन करना है तो ये है आपका लिंक ऊपर, और 7-8 क्वेश्चन बचे हुए, तो ध्यान से इसका आंसर बताओ. एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. क्या है इसका आंसर, ट्रू और फॉल्स? एक क्वेश्चन क्या, मैं समझा देता हूं. एक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है वो, क्या वो मूव कर सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब उसके नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होंगे? सोचो, ट्रू और फॉल्स? क्या बात है यार, 84 ऑफ यू गाइस गिव द राइट आंसर एज ट्रू. मुझे लगा कि आप लोग कंफ्यूज हो गए, फॉल्स बताओगे, क्योंकि फोर्स अप्लाइड नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मुझे लगा कि आप लोग फॉल्स बताओगे. लेकिन 84 ऑफ यू गाइस गिव द डैम करेक्ट आंसर. यू गाइस आर स्मार्टर देन मी, आई एम सुपर डुपर प्राउड. देखते हैं कि अब टॉप में कौन चल रहा है, वेरी हैप्पी. अरे रे क्या बात है, यश भी आ चुका है टॉप 10 में. यश बचा रहे हो आप लोग, बल्ले बल्ले फ्रॉम माई साइड गाइस, यू गाइस हैव बीन रॉकिंग. क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिस इज अ सुपर लीडर बोर्ड. अगर मैं आपको इसका एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल दे पा, वो एग्जाम्पल होगा ये. एयरक्राफ्ट जब क्रूज करता है, नासा भी यही कहता है कि जब एयरक्राफ्ट क्रूज करता है, यानी कि जब हवा में होता है वो क्रूजिंग स्पीड पे, तो उसका वेट और लिफ्ट सेम रहता है. तो हवा में है और वो थ्रस्ट इतना ही प्रोड्यूस करता है जितना उसे चाहिए टू ओवरकम द एयर का ड्रैग. तो अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पहुंच चुका है,
तो वो उतना ही प्रोड्यूस करेगा थ्रस्ट जितना हो एयर ड्रैग ओवरकम करेगा, इससे ज्यादा वो वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा तो आगे एक्सेलरेट करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं होगा, एक्सेलरेट करने लग जाएगा, अगर कम करेगा तो डी एक्सेलरेट करने लग जाएगा, समझ में आ रहा है? तो सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी अचीव्ड बाय हैविंग नेट एक्सटर्नल फोर्स टू बी जीरो. तो बहुत बढ़िया गाइस, गुड जॉब, वेरी वेल डन. अब इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी हमने पढ़ा ये एक्चुअली फोर्स का क्वालिटेटिव डेफिनेशन है. क्यों? क्योंकि क्लियर हो चुका है एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा और एक ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी कि मोशन फोर्स के वजह से ही होता है. तो ये हो गया आपका एक और डेफिनेशन, फोर्स इज अ क्वांटिटी विच कॉसेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट. तो ये हो गई उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन. समझ में आया? इसको याद रखना मेरे बच्चों. और मैं जानता हूं कि आप लोगों को एक जॉब पता ही होगा ये क्यों हो रहा है, सबको पता है ये हो रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से. करेक्ट, आप उसको खींच रहे हो लेकिन वो बॉल सीधा नीचे आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो बॉल है वहां पे उसके अंदर क्या है? इनर्शिया. इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया का सिंपल डेफिनेशन है लेजीनेस. अगर आप रेस्ट पे हो मुझे रेस्ट पे ही रहना है, अगर आप मूव कर रहे हो मुझे मूव होते ही रहना है, मुझे रुकना नहीं है. इसको कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट. समझ में आ रहा है? जब मैं रेस्ट पे मुझे रेस्ट पे ही रहना है तो आई एम नॉट गोना मूव, दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सिंपल ना? उसी तरह यहां पे आप देख सकते हो एवरी टाइम व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स वी ऑल कम फॉरवर्ड. क्यों होता है? क्योंकि हम कार के साथ मूव कर रहे हैं और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार स्टॉप हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इनर्शिया है, हमें चाहिए कि हम मूव हो. और एंड दिस इनर्शिया इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन. तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफाइन करूंगा. डिफिनेशन क्या होती है इनर्शिया की? इनर्शिया इज नथिंग बट दी लेजीनेस, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एनी मैटर टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन. अगर मैं बैठा हूं बैठना ही है, अगर मैं चल रहा तो मुझे चलना ही है, दैट इज दी लेजीनेस विच वी हैव. तो इस बात को याद रखना. तो मेरे बच्चों एक और क्वेश्चन में पूछ रहा हूं क्विज की डायरेक्शन में, इसका आंसर मुझे बताना जल्दी से. ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं जल्दी. ओके, एक मिनट बच्चों, पांच मिनट और लगेगा मेरे बच्चों, क्विज ले रहा हूं मैं, पांच मिनट और लगेगा. ठीक है, ये रहा, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स व्हाट, इसका आंसर क्या होगा? गाइज मैं पांच बजे तक एग्जैक्टली खत्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा. आई एम होपिंग कि कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, बता देना. ठीक है, वेट, फोर्स अप्लाइड ऑन इट, मास या ग्रेविटी, क्या लगता है आपको आंसर? आंसर मिल चुका है मुझे. ओके, ओहो, इंटरेस्टिंग. इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स जस्ट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, नथिंग एल्स. क्यों? क्योंकि इट इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट एनी एक्सटर्नल थिंग. मेरी टेंडेंसी है कि मैं खड़े रहूं, मेरी टेंडेंसी है कि मैं मूव करूं, तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस में कोई इसका भी रिलेशन है ही नहीं. नो दिक्कत, करेक्ट, एग्जैक्टली. मास इज द राइट आंसर, जितना भारी शरीर उतना ज्यादा इनर्शिया. इस दीवार को मैं मूव नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा भारी है भाई, मास बहुत ज्यादा है इसका, मैं मूव नहीं कर सकता, इसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा है. मैं इसको मूव कर सकता हूं क्योंकि ये बहुत हल्का है. करेक्ट, सो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स मास. आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट एंड लेट्स सी चेक आउट द लीडर बोर्ड्स. 173 हो चुके हैं, बहुत बढ़िया. तो मोनिका और विकल्प को आंसर नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं मोनिका एंड विकल्प, थैंक यू सो मच. कस्तूरी, श्रुति ऊपर आते हुए, श्रुति श्रीनिवास जी ऊपर आते हुए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया. श्रुति, मोनिका सेकंड पे, राजन थर्ड पे, शौर्य प्रताप सिंह दोबारा आते हुए टॉप 10 में, बहुत बहुत बढ़िया गाइस, कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं फॉर दी नेक्स्ट टॉपिक. तो मेरे बच्चों इसी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया एज वेल. गॉट द पॉइंट? इट्स प्रीटी सिंपल एज दैट. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, इसको अभी ध्यान से पढ़ लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लो. तो मेरे बच्चों ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसकी एक मास है m, और मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी मास क्या है? इसको मैंने मान लिया m1, इसको मैंने मान लिया m2. ठीक है, इसको मैंने मान लिया m1, उसको मैंने मान लिया m2. अभी मैंने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, इस पे भी सेम फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया, सेम फोर्स मैंने अप्लाई किया. मुझे बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा वेलोसिटी से मूव होगा, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा वेलोसिटी से मूव होगा? स्टार्स आर लव यू टू एज वेल. सेकंड वाला, ऑब्वियसली आंसर सेकंड वाला, मतलब ये वाला वेलोसिटी मूव होगा. यानी कि मास और वेलोसिटी में कोई रिलेशन है,
मास और वेलोसिटी में कोई रिलेशन है? कम मास ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा मास कम वेलोसिटी, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में? याद दिलाना मेरे को, मास और वेलोसिटी के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में? जल्दी से याद दिलाओ, मोमेंटम। अभिषेक कुमार सिंह जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कस्तूरी, यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोमेंटम। और मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है? पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इजंट इट? और किस डायरेक्शन में मूव होता है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो यानी कि मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, जिस डायरेक्शन वेलोसिटी उस डायरेक्शन मोमेंटम। और इससे ये प्रूव होता है कि मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल सी चीज। ये छोटी सी मैंने आपको याद दिलानी थी, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको अभी समझ आ चुका होगा व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो कीप द वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये सारा रिलेशनशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन क्या है स्टैंडर्ड। अच्छा, एक और चीज छोटी सी बता देता हूं, इसको ध्यान से देखो, छोटी सी चीज और। इतना ज्यादा नुकसान क्यों हुआ? इतना ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि कार आई एक मोमेंटम से। इमेजिन करते हैं कि उस मोमेंटम है P1, कार आई एक मोमेंटम से, जैसे टकराई उसका मोमेंटम चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अगर मैं मानूं इसकी मास और वेलोसिटी V1 थी और सेकंड में मास V2 थी, वेलोसिटी चेंज होगी ना सेकंड मोमेंटम में, तो क्या हुआ? P1 से P2 ये जो चेंज है अचानक हो गया, आराम से आ रही थी, अचानक ये मोमेंटम चेंज हो गई। समझ में आ रहा है? तो यानी कि जब टाइम कम होता है, जितने जल्दी आपका मोमेंटम चेंज होता है उतना ज्यादा फोर्स जनरेट होता है, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड वी ऑलरेडी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, P2 - P1। जब मैं इसको कंबाइन करूंगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू P2 - P1 डिवाइड बाई टाइम t। और मेरे बच्चों, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि मैं कहां जा रहा हूं, यहां पे फोर्स विल बिकम इक्वल टू mv2 - v1 / t। सो द फॉर्मुला विल कम आउट टू बी m इज इक्वल टू a, विच इज नथिंग बट माई वॉट? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? जितना कम टाइम उतना ज्यादा फोर्स जनरेटर, जितना ज्यादा टाइम दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू नो फील्डर्स कैच पकड़ते हैं, कैच पकड़ के वो धीरे से लाते हैं नीचे, क्यों? मोमेंटम चेंज करने के लिए ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो फोर्स उनके हाथों पे कम लगेगा बॉल का। सिंपल, ये छोटी छोटी चीज मेरे बच्चों ध्यान रखनी है पूरी। अगर ये बात समझ में आ चुकी है, हिट दैट लाइक बटन एज फास्ट एज पॉसिबल और हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मेरे बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन में खत्म करूंगा। क्विज बाकी है, अभी क्विज की तरफ चलते हैं, जल्दी से क्विकली हम बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपके सामने आएगा बेसिकली 4 या 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स, देखते कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है? अच्छा गाइस, इसके बाद पाउल सर का सेशन है, तो सिंस मैं थोड़ा लेट खत्म कर रहा हूं, पाउल सर का सेशन 5 मिनट बाद स्टार्ट होगा, माफी, ठीक है? इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, द मोमेंटम इज, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ मेरे को। 282 लाइक दिलीप, देखते हैं कि 300 क्रॉस हो पाता है कि नहीं, जल्दी बताओ जल्दी। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, द मोमेंटम इज व्हाट? 0, कांस्टेंट, लीनियर, नन ऑफ द अबव। 0 है, ये तो गलती हो जाती है, कांस्टेंट है बच्चों, आंसर 0 नहीं है। ये गलती हम सब कर बैठ देते हैं, क्यों? समझो ध्यान से, दैट फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम, नहीं, फोर्स इज नॉट इक्वल टू मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अगर आपका फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, अगर आपका फोर्स इज 0, यानी कि P2 - P1 / T, यानी कि P2 - P1 इज 0, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज 0, मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि P2 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा। समझ में आया? चेंज इन मोमेंटम इज 0। ये छोटी सी बात याद रखो, ये आपको आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर द लीडर बोर्ड्स कौन है आगे। अभी ये रहा लीडर बोर्ड्स को, कौन है देख लेते हैं। श्रुति मोनिका आंसर नहीं दे पाई, ओके। राजन, अंशुमन, शौर्य, हर्ष, अनित, बहुत बढ़िया, क्या बात है। राजन इज ऑन द टॉप राइट नाउ, श्रुति इज ऑन द सेकंड, श्रुति बच गई, आप सेकंड पे ही हो। अब चलते हैं आगे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। सो गाइस, ओनली 3 मोर क्वेश्चन, सो लेट्स गो, हिट इट हार्ड रियली।
What is the momentum of a body of mass 200 gram moving with a velocity of 50 meter per second? तो यहाँ पे बहुत बच्चे इस सिंपल से क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलती कर लेते हैं, छोटी सी मिस्टेक कर लेते हैं, इस पर ध्यान मत देना. टेंशन फोर्स ऑपोजिट अप्लाइड फोर्स. यस जान बाज, यू आर अमेजिंग. एंड प्लीज कंप्लीट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट लेफ्ट आउट टॉपिक्स प्लीज. चांद आई विल डेफिनेटली ट्राई टू, मे बी आई टेक इट एज अ स्प्रिंट और समथिंग, बट डेफिनेटली ट्राई टू. ए लग रहा है अंशुमन, आर यू श्योर? ध्यान से, ध्यान से, गलती हो सकती है बच्चों, गलती कर सकते हो आप लोग, ध्यान से देखो. वेरी गुड प्रतीक्षा, प्रतीक्षा सही आंसर दे रही है. वेरी गुड निमृत, निमृत सोचो एक और बार. ओहो, जल्दबाजी में गलती कर रहे हो बच्चों आप लोग. आप लोगों ने आंसर दिया ऑप्शन ए गलत है, वो ऑप्शन सी 33 बच्चों ने सही आंसर दिया. 3 kg/s इज द राइट आंसर. वाई? क्योंकि आप देख सकते हो 200 ग्राम है वो, 200 केजी नहीं है. एंड द आंसर इज इन 3 kg/s. कन्वर्ट नहीं कर पाए आप लोग, 200 को कन्वर्ट करो केजी में 0.2, 0.2 into 15 is 3 kg/s. या राइट, सही है श्रेयस, नॉट चेंज ना निमृत. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स स्टिल ध्यान दो, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन योर स्क्रीन गाइस, लेट्स गो. टाइम कम है इसलिए लीडरबोर्ड्स नहीं देख रहा हूं, दोबारा आ जाऊंगा. अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. Objects V increases from 3 m/s to 7 m/s. Find the magnitude of the applied force. 2.5 newton, 5 newton, 7.5 newton, 10 newton. Jaldi se. Sure, all things Marathi. Do let me know the doubts in the comment section. 36 of you guys have voted. 60 seconds isko karne ke liye time lo apna. Time lo apna aram se. और जिन बच्चों को मजा आ रहा है क्विज में और कॉन्सेप्ट समझने में, हिट दैट लाइक बटन एज फास्ट एज पॉसिबल, जल्दी से. बहुत बढ़िया, 30 सेकंड बाकी, मचाओ. 3 सेकंड बाकी, सिर्फ 30 सेकंड बाकी, जल्दी से. दीपांशु इट्स स्टिल डा, 3 क्वेश्चन और बचा है. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच संस्कार. 15 सेकंड और, जल्दी से. ओके, 10 सेकंड्स मोर. गाइस एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को फाइनल क्वेश्चन मानते हैं. लेट हो रहा है, इस क्वेश्चन को फाइनल क्वेश्चन मानते हैं. ओके, टाइम एंड्स राइट, 2-1 एंड्स. देखते हैं कि लीडर बोर्ड में कौन आता है इसके बाद. क्या आंसर है? 50 ऑफ यू गाइस वोटेड इट राइट. 50 ऑफ यू गाइस गिव द राइट आंसर. ये हुआ ना बात, 50 ऑफ यू गाइस गिव द राइट आंसर. 10 न्यूटन, सिंपल सा कैलकुलेशन था. F इज इक्वल टू m into v2 माइनस v1 by t. उस फॉर्मूला को अप्लाई करके मैं सेम आंसर आ जाएगा. बहुत बढ़िया गाइस, यू गाइस नेल्ड इट. देखते हैं कि लीडर बोर्ड्स में कौन है. For the final time on the leaderboards. Oh ho ho. Interesting. Anshuman on the top. Finally, Anshuman Ranjan on the top. Yash on the second. Vikalp on the third. Rajan fourth. Shruti fifth. Harsh sixth. Shaurya seventh. Aryan eighth. Sahitya ninth. And Harley Quinn on the 10th. You guys have nailed it today, guys. Congratulations, Anshuman. आप आज जीत चुके हो. 180 बच्चों में से आप ऊपर आ चुके हैं. बहुत बढ़िया guys. Congratulations everyone. Sadly, I would have to end the quiz right now. A very simple homework for all of you guys. मुझे इसका आंसर बताना. All the best for this. Explain Newton's third law of motion with an example. देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कौन देता है. Hit that like button as fast as possible. तो इसके साथ मेरे बच्चों आज का सेशन एंड कर रहा हूं मैं. इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे वेदांत पे मिल जाएगा. आई होप ऑल यू गाइस एंजॉयड इट. जो भी डाउट्स आपके होंगे मुझे बता देना कमेंट सेक्शन बिलो, और जितना भी आपको पसंद आया सेशन वो भी मुझे बता देना इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो बाय बाय गाइस, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन ऑन सैटरडे. टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ. बाय बाय, टेक केयर.